जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने और विधानसभा उपचुनाव बदलावर को दृष्टिगत रखते हुए जिले में अवैध हथियार तस्करी, अवैध शराब और फरार चल रहे स्थायी वारंटियों की धरपकड़ की जा रही, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया, जिसको लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक धार देवेंद्र सिंह धुर्वे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तिरला रणजीत सिंह बघेल द्वारा धरपकड़ की कार्रवाई करते हुए मुखबिर सूचना पर बोधवाड़ा चौराहे पर मय फोर्स घेराबंदी कर जालिम सिंह को पकड़ा, जिसके पास से लोहे की बनी देसी पिस्टल और 2 नग देसी 12 बोर के लोहे के बने कट्टे और पिस्टल के 15 नग जिंदा कारतूस मिले, जिन्हें जब्त कर आरोपी जालिम सिंह को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी जालिम सिंह कई सालों से अवैध रूप से हथियार बनाकर धार, मनावर, रतलाम, गुजरात और अन्य राज्यों में बेचता था। वहीं मनावर, रतलाम, गुजरात में भी पूर्व में अवैध हथियार तस्करी में उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। जालिम सिंह तथा गुरमुख सिंहलीगढ़ जो कि सिंगाना का निवासी है, उसको मुखबिर सूचना पे गिरफ्तार किया है। सूचना ये थी कि ये अवैध हथियारों की कहीं सप्लाई करने जा रहा। थाना प्रभारी रंजीत सिंह बघेल और उनकी टीम, नगर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र धुर्वे, इन सभी ने मिलकर इस व्यक्ति को पकड़ा और इसकी जब सर्च की तो इससे करीब हम लोगों को 10 अवैध हथियार मिले, जिसमें 8 पिस्टल और 2 कट्टे हैं 12 बोर के। इसके अलावा करीब 15 कारतूस भी मिले। इस व्यक्ति के द्वारा पूर्व में भी गुजरात और अन्य प्रदेशों के अंदर हथियार सप्लाई करने के बारे में जानकारी मिली थी। इस पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसके विभिन्न पहलुओं पर, यह हथियार किनको देने जा रहा था, कैसे बनाता था, इन सभी बिंदुओं पर सघन विवेचना की जा रही है और ये कार्रवाई में आगे जो भी होगा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं कि तो सारे असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।